पंजाब के संगरूर में दो युवकों की दिलेरी सामने आई है। यहां पर एक नहर में डूब रहे 8 लोगों को इन दो लड़कों ने अपनी पगड़ी से बचाया। बताया जा रहा है कि ये लोग गणेश की मूर्ति विसर्जित करने के लिए नहर में आए थे और उसी वक्त नहर की तेज धार इन लोगों को बहाकर आगे तक ले गई, जिसके बाद ये लोग डूबने लगे थे। इसके बाद इंद्रजीत और कमलप्रीत नाम के दो युवकों ने अपनी पगड़ी से इन 8 लोगों की जान कैसे बचाई, वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। परमिंदर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमिंदर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये लोग 8 लोग जो कि बहने लगे, उन्हें किस तरह से बचाया था इंद्रजीत और कमलप्रीत ने? ये आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये गणेश विसर्जन के लिए मूर्ति लेकर जा रहे थे, सभी भक्त वहाँ इकट्ठे हुए थे और इतना उत्साह था सभी के बीच में, तो जहाँ वो एक जो एक तरीके का ये त्योहार मना रहे थे, तो उसमें हादसा ये हुआ कि ज्यादा वो नदी में जो भक्त है वो जा चढ़े, तो उसको देखते हुए इंद्रजीत ने और दूसरे ने इनको बचाने के लिए इंद्रपाल सिंह ने अपनी पगड़ी उतार ली, क्योंकि पगड़ी सिख धर्म का एक प्रतीक है, लेकिन उन्होंने इसको बचाने के लिए उतारा और ज्यादा से ज्यादा 8 भक्तों को उन्होंने अपनी पगड़ी से बचाया। धन्यवाद परमिंदर इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8 लोगों की जान बचाई अपनी पगड़ी से इन दो युवकों ने संगरूर में।